बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में वीडियो लेके आए हैं, उसमें हम जनरेटर के वोल्टेज को कंट्रोल करने का तरीका बताएंगे कि जनरेटर के जो वोल्टेज है ना, उसे कंट्रोल कैसे करते हैं। ये हमारे पास जो कार्बोरेटर लगा हुआ है, इसके अंदर ये एक स्क्रू है, ठीक है। उसको एडजस्ट करने से अब ये पहले मीटर में वोल्टेज देख लें, वोल्टेज कितने, जैसे हम उसको टाइट करते जाएंगे, ये मैं टाइट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आस्ता आस्ता वोल्टेज ज़्यादा होना शुरू हो गए, 210, 208, 209। उसको मैं अभी और थोड़ा सा टाइट करूँगा, ठीक है, वोल्टेज और ज़्यादा हो जाएंगे। ये कार्बोरेटर के साथ जो स्क्रू लगा होता है, इसके साथ ही हम जो वोल्टेज है ना जनरेटर के, इसके ज़रिए हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी इसको ये स्क्रू जो है कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है, अभी आप देख सकते हैं 243 वोल्टेज हो गए हैं, ये थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। अभी हम उसी स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ करेंगे, ठीक है, और वोल्टेज आस्ता देखे कम होना शुरू हो गए, मैक्सिमम 230-232 इतने वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि जैसे जिस पर लोड पड़ेगा जनरेटर पर, तो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।